तो नमस्कार, काफ़ी समय बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ और इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। और चूंकि सामाजिक व्यस्तताएँ काफ़ी रहती हैं हमारी भी, और इसलिए थोड़ा आपसे काफ़ी देर से रूबरू हुआ हूँ, मुझे खेद है। लेकिन आपको समय समय पर मार्गदर्शन करता रहूँगा और मुझसे आप लाभ उठाते रहें। और चूंकि मैं पहले भी कहता था अपने वीडियो में कि मैं काफ़ी शोधी टाइप का हूँ, जिज्ञासु टाइप का हूँ, और इसलिए पहले काफ़ी शोध करता हूँ किसी भी चिकित्सा औषधि पे, और तब मैं उसके लिए उसके बाद आपके लिए वीडियो प्रेषित करता हूँ। आज मैं आपको दो योग देने जा रहा हूँ, जो एक खांसी के लिए बहुत बेहतरीन योग है और दूसरा कफ बलगम को जड़ से मिटाने वाला योग है। और मैंने कफ बलगम को मिटाने वाला योग जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मेरा निजी अनुभव है, इससे अच्छा कोई योग मेरी अपनी अनुभूति के आधार पर मैं कह सकता हूँ कोई मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो योग है ये खांसी को जड़ से ख़त्म करता है। सबसे बड़ी बात हो, किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, बहुत जल्दी बहुत अद्भुत तरीके से कार्य करता है ये। मैं इसका बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। दूसरा ये है, ये किसी का कफ बलगम, चाहे वो शुरुआती स्टेज का हो चाहे वो अंतिम स्टेज का हो, फेफड़े बिल्कुल जकड़ गए हों, गला जकड़ गया हो, उसको भी ये सबसे बड़ी बात होगी, ये जब ये ख़त्म कर देगा तो वो बलगम फिर दोबारा बनेगा भी नहीं, यानी कि जड़ से ही ख़त्म करता है ये। ये दोनों दवाएं मेरी अद्भुत हैं, मेरी अनुभूतिक हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका आप प्रयोग अवश्य करें और अवश्य लाभ उठाएं। अब मैं इसका तरीका बता रहा हूँ और इसमें जो सामग्री है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं योग तैयार करता हूँ, जो कफ बलगम वाले योग की बात कर रहा हूँ, ये मैं कच्ची हल्दी से बनाता हूँ। कैसे बनता है मैं आपको समझाई दे रहा हूँ। ये है कच्ची हल्दी, जरा नज़दीक से लाएं, दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। ये कच्ची हल्दी है, इस समय भी आपको बाज़ार से मिल जाएगी। और इसके क्या करते हैं, ले आएं इसको, चाहे तो बारीक उसे चाकू से छील लें और छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लें। टुकड़े करने के बाद एक छोटी सी हांडी लें और हांडी में इन टुकड़ों को डाल दें। डालने के बाद आप उसमें थोड़ा चाहे तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, और अगर अवेलेबल हो सके तो अड़ूसे की पत्तियों का रस भी डाल सकते हैं। और अगर अड़ूसे की पत्तियों का रस नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं इसको जो धतूरा होता है मैं उसमें बनाता हूँ, और वो बहुत ही अद्भुत कार्य करती है। लेकिन चूंकि उसका जो सेवन है वो जो अच्छे वैद्य जानकार चिकित्सक वही बताते हैं कितनी मात्रा में लेना है, क्योंकि उसके लेने के उपरांत नींद बहुत आती है और थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है, और उसका अनुपान का भी ध्यान रखना पड़ता है, किससे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और किस अवस्था वाले को कितना देना है, और उसकी प्रकृति क्या है। जो चिकित्सक होता है, जो वैद्य होता है, वो उस चीज़ को जानता है। तो आप जो है बगैर धतूरे का भी लेकर आप इसको टुकड़े करके और हांडी में डाल के, और उसकी ऊपर से आप दिए से ढककर और आटे से उसका लेप करके पहले उसको धूप में सुखा लें। उस हांडी को सुखाने के बाद जब वो सूख जाए तब आप एक थोड़ा गड्ढा करें, गड्ढे में उस हांडी को रखकर और ऊपर से कंडे तोप दें, और उसके करीब 2.5 से 3 घंटे बाद आपकी बेहतरीन भस्म तैयार हो जाएगी। हालांकि मैं अपनी बात को रिवाइंड कर रहा हूँ, मैं इसका उपयोग धतूरे में प्रयोग करता हूँ। धतूरे को जो फल होता है, ताज़ा फल होता है, उसको पूरा खाली कर लिया जाता है, अंदर से पूरा खोखला कर लिया जाता है, उसके बीज सब निकाल दिए जाते हैं, एक बीज भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ बक्कल बक्कल का रहना चाहिए और अंदर का हिस्सा।
और उसी में इसको जो है पीस के बारीक पीस कर हल्दी को हमारा जो हम जो प्रयोग करते हैं उसमें इसकी चटनी को भर दिया जाता है और उसमें से आटे का लेप बना के और उसको तोप दिया जाता है धतूरे को और उसको तब हम हांडी में डालते हैं। और मैंने जो आपको तरीका बताया है उसमें आप डायरेक्ट इन टुकड़ों को डाल के और उसकी भस्म बना सकते हैं। अब आप देखिए 2.5 से 3 घंटे बाद ये भस्म थोड़ा नज़दीक लाइएगा, ये देखिए इस टाइप की बेहतरीन भस्म तैयार होगी। ये भस्म तैयार होगी और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें आप दो चीज़ों का और भस्म तैयार होने के बाद ये गिलोय सत्तू आप बाज़ार से ले लें और आप ये प्रवाल पिस्टी मार्केट से ले लें, दोनों को मिक्सअप कर लें बराबर मात्रा में और आपका ये पाउडर बेहतरीन तैयार हो गया। ये बलगम का अद्भुत नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ और इसको आप करिएगा ज़रूर और मुझे आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अद्भुत ये फार्मूला दे रहा हूँ और इसको आप शहद के साथ सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिएगा जो आपकी जकड़न है अकड़न है आपको दूसरे या तीसरे दिन से ही अद्भुत लाभ महसूस होने लगेगा। और एक चीज़ और है जो ये वात पित्त कफ प्रदान आप जानते हैं ये आयुर्वेद मानता है इसी वजह से रोगों का होता है, ये वात का रोग है कफ का रोग है चूँकि तो जो जिन जो पित्त टाइप के रोगी हैं यानी कि जिनका अपना मिजाज गर्म रहता है तो वो इसमें ग्लोय की और प्रवाल पिस्टी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मिलाकर चलें और जिनका कफ प्रदान जो टेम्परेचर रहता है और बात रोकी हैं वो इसको बगैर मिलाए भी यूज कर सकते हैं, उनको बगैर मिलाए ज़्यादा इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा क्योंकि हल्दी जो होती है खुश मिजाज होती है और गर्म इसका मिजाज होता है। तो इसको आप बात रोकी और कफ रोगी कफ प्रदान रोगी वो इसको सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनका मिजाज गर्म हो वो इसमें जो है इसको गिलोय को और प्रवाल पिस्टी को मिलाकर यूज़ करें और शहद के साथ सुबह शाम यूज़ करें। ये तो मैंने आपको कफ के मिटाने की बात बताई है और इसको करिएगा और लाभ उठाइएगा, बहुत ही अद्भुत योग है, बहुत ही अद्भुत योग है। मैंने 500 योग अपने मतलब यूज़ किए हैं प्रयोग किए हैं लेकिन सबसे अद्भुत पाया है। मैं लोगों का सोल्यूशन इसी से करता हूँ, लोगों की सेवाएं इसी से करता हूँ। अब आती है खांसी। खांसी ये जो है हर प्रकार की खांसी को ज़बरदस्त ये रोकता है और सबसे बड़ी बात ये होगी कि खांसी का चाहे नॉन स्टॉप दौरा आ रहा हो किसी को और आप इसको एक या दो खुराक देंगे आप देखेंगे कि बहुत ही अद्भुत आपको लाभ दिखाई पड़ेगा, आप चमत्कृत हो जाएंगे। ये जो होता है इसमें हम प्रयोग करते हैं इलायची जवाखार नौसागर कलमी सोरा सुहागा फिटकरी। इलायची के हम इसमें दानों का इस्तेमाल करते हैं, उसका छिलका उतार दिया जाता है दानों को निकाल दिया जाता है। कलमी सोरा जवाखार नौसागर फिटकरी और इसमें आपका जो सुहागा है इनको सभी को पहले आप इनको मार्केट से ले आएं, सारी चीज़ें आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएंगी, वहाँ से लाके आप इनका बारीक चूरा बना लें, फिर इनको एक एक करके आग पर चढ़ा के तवा रख के तवे में या कढ़ाई में इसको भूनें और इसका फूला तैयार कर लें। फिटकरी का फूला तैयार होगा, फिटकरी कच्ची ना रहे ये ध्यान रखें, बिल्कुल बारीक करके उसका फूला बनने दीजिए, बिल्कुल जब फूला बन जाए उसको उतार लीजिए, उसको फिर पाउडर बना लीजिए। ऐसे कलमी सोरा पिघलेगा, पिघलने के बाद फूला बनेगा, उसका फूला बना के इस टाइप से सभी चीज़ें इसी टाइप से आप ये इलायची के दानों को भी भून सकते हैं। भूनने के बाद इनका सबका
पाउडर बना ले, बेहतरीन पाउडर बना ले, और पाउडर बनाने के बाद इसे आप जो है गुड़ में मिला के या शहद में मिला के रोगी को चटाएं, आप देखेंगे अद्भुत कार्य करेगा। आप सामग्री समझने में अगर आपको दिक्कत आ रही हो, मैं आपको दोबारा बोल दूं, आपको जबाखार लाना है, आपको नौसादर लाना है, आपको कलमी छोरा लाना है, आपको सुहागा लाना है, सुहागा सुनारों वाला सुहागा, और फिटकरी लानी है, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको इलायची लानी है, छठी चीज़ इलायची है, ये छह चीज़ें हैं। आप इन दोनों हमारी दवाओं का, औषधियों का इस्तेमाल करें तो आप हमें कमेंट्स बताएं। अब हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको जल्दी जल्दी आपकी सेवाएं करते रहेंगे, और मैं बहुत जल्दी वीडियो डालने वाला हूं जो किसी प्रकार वायरस, यहां तक कि टीबी के वायरस, कैंसर के वायरस, उसमें कई चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। और हालांकि वो कोरोना के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि कोरोना के बारे में तो सारी दुनिया हाथ खड़ा कर रही है, लेकिन वो रिसर्च करने वाली बात है, और उन चीज़ों के बारे में जो हमारा अनुभव है बताने की चर्चा कर रहा हूँ, मैं अगले वीडियो में डालूँगा। और जो मेरा अपना अनुभव है कि आप समझिए कि जो एक उसमें एक दवा ऐसी होगी जो 1.5 महीने में टीबी के सारे कीटाणु ख़त्म कर देती है, दूसरा कैंसर के कीटाणु तो को ख़त्म कर देती है, मैंने बहुत अध्ययन में पाया है, मैंने कई वैद्य ग्रंथों में पाया है, तो उसका भी मैं आगे वीडियो दूंगा। और तब तक आप इसका लुत्फ उठाएं, और उससे ख़ास तौर से ये आप देख ही रहे हैं, कोरोना में खांसी का, कफ, बलगम का बताया जा रहा है कि सबसे पहले अटैक होता है, तो इससे लाभ उठाएं, और हमें कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना अनुभव दें, और आपसे विदा लेते हैं।